तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा वोलाटाइल ना हो, लो वोलाटाइलिटी एक पोर्टफोलियो चाहते हैं, रिस्क भी मिनिमम रखना चाहते हैं, रिटर्न भी अच्छे देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं स्मॉल केस पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। एक रेडीमेड पोर्टफोलियो है जहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 4364 का, और आपको CAGR देखने को मिल रहा होगा 3 ईयर्स का, वो 13.86% के आसपास है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो के लिए आप विजिट कर सकते हैं स्मॉल केस पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए और विजिट करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे शेयर्स की, देखिएगा, जिनमें आपको अपकमिंग वीक में प्रेशर देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी। और उसका सिंपल रीज़न है कि देखिएगा, जब भी कोई स्टॉक, हम बताते रहते हैं आपको, जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर देखिएगा आपके इंडेक्स में शामिल होता है तो कितना पॉजिटिव अपडेट होता है, चूँकि इनफ्लो आता है, कैश का इनफ्लो आता है, कंपनी की ग्रोथ होती है, स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो रिलायबिलिटी आती है, मार्केट में अपडेट आता है तो लोग उसमें क्रेज दिखाते हैं, वॉल्यूम आते हैं, स्टॉक अप हो जाता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल जोमैटो, अभी लास्ट पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे हफ्ते में हमने बताया था MSCI इंडेक्स में इंक्लूड हुआ था, 136 से 170 पे आपको देखने को मिला। फिर अगर आप देखेंगे IRCTC कितना बढ़िया जंप देखने को मिला, टाटा पावर 248-250 का उसने हाई मारा, चूंकि इंक्लूजन हुआ है MSCI इंडेक्स में। तो जितनी इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा, जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है किसी भी स्टॉक का किसी भी इंडेक्स में शामिल होना, चूंकि इनफ्लो आता है ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए पैसा मिलता है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्टॉक को एक पर्टिकुलर इंडेक्स से निकाला जाना, चूंकि ये बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज होती है। तो इसलिए इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आपको नज़र बना के रखनी है, चूंकि अपडेट आ चुका है, कब अप्लीकेबल होगा ये भी बता दूंगा, और इन स्टॉक्स में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे लाइक करिएगा, और इस करेक्शन का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इस करेक्शन में मुझे फंडामेंटल स्टॉक्स मिल जाएँ बस, जो क्वालिटी बिजनेस रखते हों, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करिए, और अगर आप करते हैं तो आपको मिलेंगे स्विंग्स स्टॉक्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बात हो रही है BSE सेंसेक्स की, देखिएगा, और यहाँ पर जो आपको अपडेट देखने मिल रहा है विप्रो का जो स्टॉक है, विप्रो जो आपको पता है IT के बिल्कुल जाइंट हैं, वो रिप्लेस करेंगे बजाज ऑटो को, यानी कि विप्रो की एंट्री होगी और बजाज ऑटो एग्जिट लेंगे। और इसके अलावा नौ बड़े चेंजेस हैं BSE इंडेक्स में। अब जितने लोग देखिएगा नहीं जानते, तो देखिएगा सेंसेक्स, देखिएगा सुपर 30 में आता है, और ये बहुत ही बड़ा इंडेक्स होता है BSE इंडेक्स, देखिएगा बहुत ही बड़ा इंडेक्स है और बहुत ही पुराना इंडेक्स है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड हैज मेड सेवरल चेंजेस व्हाइल रिकॉन्स्टिट्यूटिंग, देखिएगा, द S&P BSE इंडेक्स। एज पर द रिजल्ट विप्रो हैज फाउंड प्लेस इन द S&P BSE। विप्रो ने प्लेस पाई है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स की एग्जिट भी हुई है, जिसमें से वन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है जिस पे लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी करते रहते हैं, लेकिन उसकी भी यहाँ से देखिएगा क्या हो गई है, उसको भी यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है, एग्जिट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाइल रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द S&P BSE इंडेक्स एज पर द रिजल्ट विप्रो हैज फाउंड द प्लेस, विप्रो को प्लेस मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक, जिस पे आप देखिएगा बहुत सारे लोग चर्चा करते रहते हैं कि सर इस बैंक के बारे में अपडेट दीजिए, तो आप देखेंगे इस समय निफ्टी बैंक में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऑल जितने भी फंडामेंटल स्टॉक्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया गिरावट देखने को मिल रही है, और वो डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। लाइक अगर आप देखेंगे 10-15% के डिस्काउंट पे आपको अगर फंडामेंटल बैंक्स मिल रहे हैं तो वो कोई भी ख़राब बात नहीं है, चूँकि सबके रिजल्ट अच्छे आए। तो देखिएगा सिटी यूनियन बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इनको ड्रॉप कर दिया गया है। कहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है?
S&P BSE इंडेक्स से। और देखिएगा इसके अलावा भी कई सारे चेंजेस किए गए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं विप्रो की एंट्री हुई है और सिटी यूनियन बैंक को यहां पे एग्जिट दे दी गई है। तो इससे सिटी यूनियन बैंक के देखिएगा स्टॉक पे असर देखने को मिलेगा, प्रेशर आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग वीक में। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं देखिएगा यहां पे कोई ऐसा नहीं हुआ है कि यहां पे बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, बट ऐसा होता रहता है कि कभी एंट्री होती है तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन भी आते हैं और एग्जिट होती है तो देखिएगा कुछ तो निगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके पास स्टॉक है तो इस पर देखिएगा फर्दर अपडेट के लिए वेट करिएगा। सेकेंड देखिएगा जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे और भी ऐसे स्टॉक हैं जिनकी देखिएगा एग्जिट हुई है, जिसमें आपको पता है रिप्लेस किया गया बजाज ऑटो, ये एक दिग्गज ऑटो प्लेयर है। अगर आप देखेंगे दिग्गज ऑटो प्लेयर है और इसको भी देखिएगा यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे विप्रो विल रिप्लेस बजाज ऑटो इन 30 शेयर्स बेंचमार्क S&P BSE सेंसेक्स, यानी कि सेंसेक्स में जो 30 शेयर्स हैं उनको देखिएगा उनमें विप्रो की एंट्री हो गई है, बजाज ऑटो क्या देखिएगा एग्जिट हो चुका है और 20 दिसंबर को ये अपडेट इफेक्टिव हो जाएगा आपको, यानी कि 20 दिसंबर से ये अपडेट पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाएगा। सीधा सीधा इंपैक्ट कैसे पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे डोमेस्टिक जो ब्रोकर हैं उन्होंने बताया है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5% का वेटेज किसका होगा, 155 मिलियन ऑफ इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ विप्रो इंक्लूजन, यानी कि विप्रो जब बीएससी सेंसेक्स में इफेक्टिव होगा यानी कि एंट्री लेगा तो वहां से जो वेटेज आ जाएगा विप्रो का वो आ जाएगा सेंसेक्स में 1.5% का और जो एंट्री होगी वो होगी $155 मिलियन के आसपास का इनफ्लो आएगा। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अब विप्रो का इंपैक्ट सीधा सेंसेक्स पे भी पड़ेगा, लाइक विप्रो गिर रहा है तो सेंसेक्स पे भी उसका काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। और इससे पहले अगर आप देखेंगे जो वेटेज था, जो वेटेज आपको देखने को मिलता था किसका आपको पर्टिकुलर बजाज ऑटो का वो कितना था 0.7% का, तो ये वेटेज क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर बीएससी सेंसेक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इससे क्या हो जाएगा 74 मिलियन क्या हो जाएगा यहां से आउटफ्लो होगा। तो ओवरऑल सेंसेक्स के लिए तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है लेकिन बजाज ऑटो के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स से विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। इसको इस तरीके से समझिए कि आपको कोई उपाधि दी गई थी, आपको कोई पद दिया गया था, अचानक से आपसे वो छीन लिया जाता है तो आपकी इमेज पे आपके कैरेक्टर पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो सिंपल भाषा में इसको यही कहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं, अगर आप देखेंगे फर्दर बायकॉन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, REC विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम S&P BSE 100 इंडेक्स, 100 से निकाल दिए जाएंगे। तो इनको भी देखिएगा इनकी जगह पे नए स्टॉक्स आएंगे काफ़ी, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन देखिएगा सिटी यूनियन बैंक और बजाज ऑटो पे आपको देखिएगा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने मिलेगा अगले हफ्ते। तो बी प्रिपेयर्ड, और स्टॉक्स दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस शॉर्ट टर्म का प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।